मायावती लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब एक्टिव हो गई हैं। भले ही थोड़ी देर से एक्टिव हुई हों, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है वो अब चर्चा का विषय बन गए हैं। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की पांचवी सूची जारी कर दी। लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम है। पार्टी ने वाराणसी से अतहर जमाल लारी को उतारा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बसपा ने सपा के गढ़ मैनपुरी से अपना प्रत्याशी बदला है। यहां से शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है। वहीं बदायूं से मुस्लिम खान को उम्मीदवार बनाया गया है। बांदा से मयंक द्विवेदी, डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन, जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह। बसपा ने डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव को उतारा है। मायावती की कोशिश मैनपुरी में डिंपल की राह को मुश्किल करना है। शिव प्रसाद यादव एक बार भरथना से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। मायावती का जो प्रयास है वो मैनपुरी में यादव वोटों में बंटवारे का है। वाराणसी में बीएसपी ने अतहर जमाल लारी को टिकट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं बसपा ने भी वाराणसी से अपना प्रत्याशी उतार के कांग्रेस को जबरदस्त झटका दिया है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अतहर जमाल लारी अजय राय के वोट में सेंध लगा सकते हैं। लिहाजा वाराणसी में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। बात अगर बसपा प्रत्याशी अतहर जमाल लारी की करें तो वो कौमी एकता दल समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। अतहर जमाल लारी 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान वाराणसी की सीटों पर चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे थे। करीब करीब 66 साल के अतहर जमाल लारी अभी तक 3 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वो वाराणसी के मूल निवासी हैं। साल 1980 से राजनीति में एक्टिव हैं। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने उत्तर प्रदेश की 11 और लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें अतहर जमाल लारी का नाम भी है। पार्टी ने वाराणसी लोकसभा सीट से भी उम्मीदवार की घोषणा की। ये जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं यानी अतहर जमाल लारी, इन पर एक बड़ा दाव खेला गया है। लारी पीएम मोदी को चुनौती देंगे। इस सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर बहुजन समाज पार्टी में वाराणसी लोकसभा सीट में लड़ाई दिलचस्प होगी। अतहर जमाल लारी ने 3 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा है। वो लंबे समय तक मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल से जुड़े रहे। उसके बाद लारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद वो बीएसपी में चले गए। अतहर जमाल लारी की कुल संपत्ति 1,28,00,000 से ज्यादा है। उनके पास कुल 43,000 रुपए कैश हैं, जबकि 1,08,000 रुपए बैंक में है। उनके पास 2 गाड़ियां हैं जिनकी कीमत 14 लाख रुपए है। 25 लाख की एग्रीकल्चर लैंड है। जानकारी के मुताबिक उनके पास एक टाटा सफारी, एक क्वालिश कार है। इसके अलावा बीएसपी उम्मीदवार के पास लगभग 3,05,000 रुपए की ज्वेलरी है। दरअसल जो प्रॉपर्टी इन्होंने अपनी बताई है उसके मुताबिक लारी के पास 25 लाख रुपए की एग्रीकल्चर लैंड और 75 लाख रुपए की रिहायशी बिल्डिंग है। तो वाराणसी लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया गया। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने यहां से अजय राय को उतारा है। यूपी की सबसे हॉट सीट है दरअसल वाराणसी, और यहां से 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।